में आप सभी का स्वागत है। दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं आंजनी दुबे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने दौरे के तीसरे दिन गोरखनाथ मंदिर में भगवान शिव का विधि विधान से रुद्राभिषेक किया। इसके साथ ही उन्होंने मंदिर में हवन व पूजन किया। उन्होंने भगवान शिव को दूध लावा व बेल पत्र चढ़ाया और संस्कृत विद्यालय के छात्रों ने मंत्रोच्चारण के साथ रुद्राभिषेक को सम्पन्न करवाया। मुख्यमंत्री योगी ने प्रदेश के सभी नागरिकों की भगवान शिव से स्वास्थ्य लाभ की कामना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में जनता दरबार लगाया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी ने प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए 200 फरियादियों के समस्याओं को सुना। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जनता दर्शन में आए नागरिकों के समस्याओं का 100% निस्तारण किया जाए। यदि किसी को आवास की आवश्यकता है तो उसे आवास सुविधा उपलब्ध करवाया जाए। जिसके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है उसका आयुष्मान कार्ड बनवाया जाए। इस अवसर पर जिलाधिकारी कृष्णा करोड़ेश, SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। अलग अलग है क्या है ये? नदिया गोरखपुर का है, दोनों दोनों कहाँ से है? ये कैंपियरगंज का दोनों का बुजुर्ग अब है। संत कबीर नगर में, ये संत कबीर नगर में दीजिए कार्रवाई कर। कहाँ से आए? क्या हो गया? मामला का कहाँ का है? या आप बताए कहाँ से? क्या हो गया? इसको लेके मुझे खुशी लगा। कार्रवाई करनी बताओ। कार्रवाई ये करना है, फैसला करें मुझे आज ही। जनपद में अभी सुबह व शाम के समय कोहरा रहेगा, जिसके संबंध में जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया कि मौसम विभाग के अनुसार जो अनुमान प्राप्त हुआ है उसके अनुसार अभी गोरखपुर को येलो जोन में रखा गया है, इसलिए सुबह व शाम के समय घना कोहरा रहेगा। इसके अलावा जो नदी व ताल से सटे गाँव हैं वहाँ ज़्यादा कोहरा रहेगा। उन्होंने बताया कि अभी शीतलहर बनी रहेगी लेकिन दोपहर में धूप रहेगी, इसलिए वाहन चलाते समय हेडलाइट जलाकर चलें और बच्चों का विशेष रूप से ध्यान दें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा कि अभी जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से जो पूर्वानुमान हमें प्राप्त हुआ था उसके अनुसार अभी भी गोरखपुर येलो जोन में है। तो अभी जो सवेरे का समय जो रहेगा वो फॉग का रहेगा
और घने कोहरे रहने की संभावना है। विशेष रूप से जो तराई बेल्ट क्षेत्र है, जो नदी घाट से आच्छादित क्षेत्र हैं, वहाँ पर घना कोहरा रहने की संभावनाएँ व्यक्त की गई हैं। तो अभी भी गोरखपुर येलो जोन में ही है, तो अभी जो शीतलहर की है वो बनी रहेगी, लेकिन ये संभावित है कि दोपहर में हमें धूप थोड़ी मिले और थोड़ी ठंडी से राहत मिल सके दोपहर के समय में। सर देखा जाए अभी भी मौसम इसी तरह बना रहता है, क्या फील करना चाहेंगे? देखिए फॉग की स्थिति है और देर रात में फॉग की स्थिति बन जाती है और सवेरे तक रहती है, तो ऐसे दौरान जो रोड एक्सीडेंट्स वगैरह की संभावनाएं अत्यधिक रहती है, तो विशेष रूप से गाड़ी की हेडलाइट जला करके ही वाहन को ड्राइव करें, जिससे एक दूसरे को देखा जा सके कौन आया सामने से आ रहा जा रहा है, तो इस तरीके से सुरक्षित रह सकते हैं। और थोड़ा मौसम में परिवर्तन है तो इसलिए बच्चों का भी विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है, तो इस तरीके से आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते। गोरखपुर के रामगढ़ ताल थाना की पुलिस टीम ने ठगी के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए 3 आरोपी अभियुक्त फर्जी तरीके से जमीन बेनामा कराने का कार्य करते थे। प्रेस वार्ता के दौरान गिरफ्तारी का खुलासा करते हुए SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया कि गिरफ्तार किए गए 3 अभियुक्त कूटरचित दस्तावेजों के जरिए ठगी करते थे। फर्जी बैनामा के जरिए जालसाजों ने 17,29,000 की नकदी की ठगी किए थे। उन्होंने बताया कि मास्टरमाइंड वसीम अहमद समेत 3 आरोपियों की गिरफ्तारी रामगढ़ ताल पुलिस द्वारा की गई है। आगे विवेचना में इनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई भी की जाएगी। इस अवसर पर SP सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई व पुलिस अधीक्षक CO कैंट मानुष पारिक सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा, देखिए गोरखपुर पुलिस द्वारा लगातार एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कि जमीन संबंधी धोखाधड़ी करने वाले ऐसे गैंग्स को चिन्हित करके उनके खिलाफ मुकदमे लिखे जा रहे हैं। ऐसे व्यक्ति जिनके द्वारा आम पब्लिक को जमीन की खरीद और बिक्री में उनके साथ धोखाधड़ी की जा रही है, उनके पैसे ऐंठ लिए जा रहे हैं, लगातार ऐसे जांच के बाद मुकदमे लिखे जा रहे हैं, काफ़ी लोग इसमें जेल गए हैं। इसी संबंध में थाना रामगढ़ ताल में एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था 144/2023, जिसमें कि एक अद्यावती नाम की महिला ने एक जमीन को बैनामा करवाया था, जिसके लिए उसके द्वारा 17,00,000 रुपये पे किए गए थे 2021 में। जब 2023 में ये महिला अपने परिवार के साथ वहाँ का कब्जा लेने गई तो उसको जानकारी हुई कि ये जो ज़मीन उसको बेची गई है वो ओरिजिनल ओनर द्वारा नहीं बेची गई है। उस ज़मीन का ओरिजिनल ओनर इंद्रावती नाम की एक महिला थी। जब उससे जानकारी प्राप्त हुई तो ये पता चला कि उसके द्वारा ये ज़मीन बैनामा नहीं किया गया है। इस संबंध में अद्यावती जो कि ज़मीन की खरीदार है, उनके द्वारा पुलिस से संपर्क किया गया। जाँच में ये बात निकल करके आई कि वहाँ पर जो प्रॉपर्टी डीलर हैं, उन्होंने गैंग बना करके इस प्रॉपर्टी को बेचने का काम किया है और एक महिला को फर्जी इंद्रावती बना करके उससे बैनामा अद्यावती को करवाया है और पैसे अकाउंट में लेकर के ये फरार हो गए हैं। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और आज इस मुकदमे में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिनके द्वारा ये पूरी साजिश रची गई और गैंग बना करके ये कार्रवाई की गई, जिनके की नाम विवेकानंद, वसीम अहमद व आशुतोष सिंह हैं। इन 3 को गिरफ्तार किया गया है। इसके अतिरिक्त जिस महिला को इंद्रावती बना करके ये पूरा कार्य किया गया था, उसकी तलाश जारी है, जल्द ही पुलिस उसको भी अरेस्ट कर लेगी। आगे चल के इनके खिलाफ इस तरह के मामलों में गैंगस्टर की कार्रवाई भी की जाएगी। इसके अतिरिक्त सभी थाना प्रभारियों को और गस्टडी ऑफिसर्स को भी ये निर्देश दिए गए हैं कि जो भी मामले इस तरह के संज्ञान में आते हैं, उनको प्रायोरिटी पे लेकर के ऐसे गैंग्स पे ऊपर कठोर कार्रवाई की जाए। मुकदमा लिखने के साथ साथ गैंगस्टर एक्ट के साथ साथ जो भी अपराध के द्वारा उनके द्वारा संपत्ति अर्जित की गई है, उसको भी 14(1) में जब्त किया जाए, ताकि इस तरह के जो गतिविधियाँ हैं उन पर विराम लगाया जा सके और जो जेन्युइन बायर्स हैं वो मार्केट में अपना जेन्युइन जो जमीन की खरीद करते हैं वो आसानी से कर सके, उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना। सर ये जो प्रॉपर्टी डीलर थी, इससे पहले भी किसी को उन्होंने शिकार अपना बनाया इस तरह का? देखिए जो अभी 3 लोग अरेस्ट हुए हैं, उनमें से एक वसीम अहमद है, जिसका पूर्व का क्रिमिनल रिकॉर्ड है, बाकी 2 लोगों का क्रिमिनल रिकॉर्ड अभी खंगाला जा रहा है। इस संबंध में यदि कोई और भी जानकारी हमें प्राप्त होती है या कोई और व्यक्ति ऐसा है जिसको लग रहा है कि उसको भी इस तरह से ठगा गया है,
उनसे अनुरोध है कि तत्काल पुलिस से संपर्क करें, आपका भी अभियोग पंजीकृत करके। स्वच्छता कर्मियों के गारंटीड मानदेय के लिए पहले ही एक कमेटी गठित कर रखी गई है और शीघ्र ही इस पर ठोस कदम उठाए जाएंगे। मानदेय के साथ स्वच्छता कर्मियों के लिए आवास और जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभ की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी। आपको बता दें, सीएम योगी रविवार पूर्वाहन नगर निगम की तरफ से आयोजित सफाई मित्र सुरक्षा और सम्मान सम्मेलन में विभिन्न विकास परियोजनाओं के शिलान्यास लोकार्पण समारोह को संबोधित किया। अभय नंदन इंटर कॉलेज के मैदान पर हुए इस कार्यक्रम के मंच से मुख्यमंत्री ने सफाई मित्रों हेतु ई सेवा पोर्टल, 10 लाख रुपए तक की दुर्घटना बीमा सुविधा एवं कल्याण कोष का शुभारंभ किया। कल्याण कोष से 4 सफाई मित्रों के आश्रितों को सहायता राशि का चेक प्रदान किया। सफाई मित्रों एवं वाहन चालकों को यूनिफॉर्म, लंच बॉक्स वितरित किए और डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने नगर निगम की 116 करोड़ रुपए की लागत वाली 176 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया। इस अवसर पर सीएम योगी ने कहा कि सुंदरता की आत्मा स्वच्छता में ही निहित होती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सफाई कर्मी शहर की शक्ल सूरत बदलने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य करते हैं और इसी का परिणाम है कि स्वच्छ सर्वेक्षण में गोरखपुर की रैंकिंग 74 से 22 पर आ गई है। गोरखपुर को गार्बेज फ्री सिटी में 3-स्टार रैंकिंग मिल गई है। गोरखपुर अब अच्छा और सुंदर शहर माना जाता है। परिवर्तन का परिणाम है कि यह देश के अच्छे शहरों में गिना जाता है। इसका सर्वाधिक श्रेय सफाई कर्मियों को मिलना चाहिए। कार्यक्रम स्थल पर मुख्यमंत्री ने नगर निगम, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन आदि के स्टालों का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने मासूम बच्चों का अन्नप्राशन कराया और गर्भवती महिलाओं की गोद भराई की। मासूमों को सीएम योगी ने काफी देर तक गोद में लेकर दुलारते रहे और उन्हें उपहार में खिलौने दिए। इस दौरान मेयर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने नगर निगम की उपलब्धियों और परियोजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। आभार ज्ञापन विधायक विपिन सिंह ने किया। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष साधना सिंह, विधायक फतेह बहादुर सिंह, महेंद्र पाल सिंह, प्रदीप शुक्ल, MLC डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, पूर्व महापौर अंजू चौधरी, डॉक्टर सत्या पांडे, भाजपा के महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे। हमने गोरखपुर नगर निगम में कई उपलब्धियां महाराजी की प्रेरणा से 2023 में नगर निगम गोरखपुर अपने कैटेगरी में 74वें स्थान से बेहतर प्रदर्शन करते हुए 22वें स्थान पर प्राप्त किया है, जिसके लिए भी आप सभी को बहुत बधाई। 500 टन क्षमता का वेस्ट टू चारकोल प्लांट का कार्य निर्माणाधीन है। 200 टन क्षमता के बायोसीएनजी प्लांट का निर्माण अंतिम चरण में है। 50 टन क्षमता के सीएनजी गैस निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। 6 एमआरएफ सेंटर जिसका निर्माण कार्य और संचालन आरंभ हो चुका है। 200 टन क्षमता के 2 बारे ट्रांसफर स्टेशन जिसका निर्माण कार्य अंतिम चरण में इस समय आ चुका है। Oh,
अगर हम इन सभी चीजों पर थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो हमारा शहर स्वच्छ और सुंदर दिखाई देगा और जो भी आएगा अद्भुत होगा, अच्छा लगेगा उसको गोरखपुर आने में। और आज इसीलिए जब मुझे ये बताया गया कि गोरखपुर में सफाई सुरक्षा जो मित्र हैं, जो हमारी स्वच्छता कर्मी है, इनकी सुरक्षा और इनके सम्मान के लिए इनको बीमा कवर भी दिया जा रहा है, उनके जो सफाई कर्मी दुर्भाग्य से दिवंगत हो जाए तो उनके परिवार को तत्काल रूप से एक सहायता राशि हम जारी करने जा रहे हैं, उनके सम्मान की व्यवस्था भी हम कर रहे हैं, तो मैं तत्काल इस कार्यक्रम में यहां पर आया हूं। और आज मुझे प्रसन्नता है कि गोरखपुर नगर निगम ने ढेर सारी उपलब्धियां हासिल की हैं, खासतौर पर स्वच्छता के क्षेत्र में गार्बेज फ्री सिटी में 3 स्टार की रैंकिंग गोरखपुर को भारत सरकार ने प्रदान की है। आप सोचिए गोरखपुर को भी रैंकिंग प्राप्त हो रही है। गोरखपुर नगर निगम ने स्वच्छता जो सर्वेक्षण है, जो पहले 74वें स्थान पर था, वहां से अब ये 22वें स्थान पर आ गया है। एक धक्का और आप देंगे तो आप देखना कि गोरखपुर अगले सर्वेक्षण में टॉप 10 में आ जाएगा। टॉप 10 में हमें टॉप 10 में लेके आना है कि टॉप 3 में लेके आना है? तैयार है ना सब लोग? तो इसके लिए स्वच्छता कर्मियों के साथ साथ पार्षदों को स्वच्छता मोहल्ला स्वच्छता समिति का गठन करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। 500 टन क्षमता का वेस्ट टू चारकोल प्लांट का कार्य चल रहा है और अन्य भी तमाम कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें इन सभी पर कार्य करना होगा। मैं धन्यवाद दूंगा, सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ एक अभियान चला। इसके साथ साथ गोरखपुर में मैंने कहा था खाली प्लॉट और जो प्लॉट पार्क हैं, इनमें जितना भी कचरा है सब का निस्तारण करो। कितना साफ शहर है, अब हम भारत के शहरों को भी उसी तरह से समाधान दे रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन के अनुरूप गोरखपुर नगर निगम स्वच्छता के क्षेत्र में गढ़ आए नित नए कीर्तिमान। इस सफलता में है सफाई मित्रों का विशेष योगदान। प्रदेश में पहला QR कोड आधारित गार्बेज कलेक्शन सिस्टम के तहत घर घर से किया जा रहा है सेग्रीगेटेड वेस्ट कलेक्शन। स्वच्छता रैंकिंग में 7 सालों के सतत प्रयास से नगर निगम गोरखपुर ने पहली बार प्राप्त की है GFC 3 स्टार रेटिंग। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की रैंकिंग में नगर निगम गोरखपुर ने लगाई है लंबी छलांग। वैज्ञानिक विधि से कचरा निस्तारण, मुख्य बाजारों और व्यावसायिक क्षेत्रों में मैकेनाइज्ड वाहनों द्वारा स्वीपिंग, खाली पड़े भूखंडों की सफाई सहित अन्य स्वच्छता संबंधी कार्यों में सफाई मित्रों की भूमिका ने गोरखपुर को बनाया है क्लीन गोरखपुर। गोरखपुर के तिवारीपुर थाना की पुलिस टीम ने ई रिक्शा चोरों के सातिर गैंग का सनसनीखेज खुलासा किया है। पुलिस टीम ने चोरों के सरगना अकरम शेख समेत 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए चोरों के पास से चोरी की गई एक ई रिक्शा बरामद की गई है। SP सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने प्रेस वार्ता के दौरान
तिवारीपुर पुलिस द्वारा किए गए सातिर चोरों का खुलासा किया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कहा, गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने के अनुक्रम में थाना तिवारीपुर द्वारा एक ई रिक्शा चोरी करने वाली गैंग का पर्दाफाश किया है, जिनके कब्जे से दो ई रिक्शा भी बरामद हुए हैं। थाना तिवारीपुर क्षेत्र के ही रहने वाले अकरम शेख और एक महाराजगंज के रहने वाले साहबजादे पुत्र शहजादे, इन दोनों लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। आज से कुछ दिन पहले जब एक ई रिक्शा चोरी हुआ था, तब उन्होंने थाने पर आके अपनी प्रार्थी ने अपनी एप्लीकेशन दी, उसी आधार पर सीसीटीवी खंगाले गए और सीसीटीवी के आधार पर ही इन ई रिक्शा की बरामदगी हुई और पूछताछ के दौरान उन्होंने एक और ई रिक्शा चोरी करना कबूला। इस तरह कुल दो ई रिक्शा की बरामदगी भी हुई है और इस गैंग से फर्दर भी पूछताछ की जाएगी कि उन्होंने और कहाँ कहाँ पर ई रिक्शा चोरी किया है। पिछले काफ़ी समय से इस क्षेत्र में ई रिक्शा चोरी करने की सूचना मिल रही थी, उसी सूचना में ये एक पहला खुलासा है। इस तरह के अन्य खुलासे भी ई रिक्शा चोरी के संबंध में सीसीटीवी के माध्यम से। रामगढ़ ताल थाना क्षेत्र में नौका विहार के दौरान टेडी बियर बने युवक पर एक लड़की ने छेड़खानी का आरोप लगाते हुए पिटाई कर दी। मौजूद लोगों ने हस्तक्षेप कर मामला शांत कराया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। टेडी बियर की पोशाक पहने वह युवक कौन था, पुलिस उसकी तलाश कर रही है। जानकारी के अनुसार शुक्रवार को नौकायान पर काफी भीड़ थी। गणतंत्र दिवस पर लोग अपने परिवार के साथ घूमने पहुंचे थे, तभी अचानक एक लड़की ने टेडी बियर को पीटना शुरू कर दिया। उसने शोर मचाना शुरू किया तो लोगों का ध्यान उसकी ओर पाया। लोग उनसे पूछते रहे कि क्या हुआ, लेकिन लड़की कुछ कहने की बजाय उसे लात घूंसे मारती रही। इसी बीच किसी ने वीडियो बना लिया। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसका मामला संज्ञान में आने के बाद रामगढ़ ताल पुलिस ने कार्रवाई की। टेडी बियर बने युवक और उसकी पिटाई करने वाली युवती की तलाश शुरू कर दी गई है। पुलिस इंडियन पब्लिक स्कूल देहरादून के वाइस प्रिंसिपल व हाउस मास्टर मनोज सिंह ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि द इंडियन पब्लिक स्कूल एक बोर्डिंग स्कूल है जो कि 80 एकड़ में फैला हुआ है, जो कि एक तरफ हिमालय व दूसरी तरफ शिवालिक पर्वत से घिरा हुआ है। यह एक आवासीय विद्यालय है जो कि सीबीएसई से मान्यता प्राप्त है। यह गुरुकुल की तर्ज पर कार्य करता है। यहाँ पर 500 छात्रों के लिए आवास की सुविधा भी उपलब्ध है। बच्चों को ताजा भोजन दिया जाता है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए द इंडियन पब्लिक स्कूल देहरादून के वाइस प्रिंसिपल चंद्रशेखर त्यागी ने कहा, जी नमस्कार, हम इंडियन पब्लिक स्कूल देहरादून उत्तराखंड से हैं और आज गोरखपुर में आने का हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हम आप लोगों को अपने स्कूल के बारे में जानकारी प्रदान करें। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, इंडियन पब्लिक स्कूल 2001 में स्थापित किया गया स्कूल, जिसके संस्थापक हैं हमारे श्री आर के सिन्हा जी। यह स्कूल सीबीएसई से एफिलेटेड है। यह एक पूर्णतः आवासीय विद्यालय का फुल्ली बोर्डिंग स्कूल है। फुल्ली बोर्डिंग स्कूल को एजुकेशनल स्कूल, इसकी स्थापना 2001 में की गई थी। फीस वगैरह सर क्या? फीस हमारी फीस दो स्लैब में होती है सर, एक होती है 4 to 8, एक होती है 9 to 12। सो 4 to 8 हमारी फीस है 5,75,000 और 9 to 12 हमारी फीस होती है 6,50,000। तो प्लस वन टाइम 1,15,000 एडमिशन चार्जेस। तो मतलब माना जाए गुरुकुल की तर्ज पर? यस, हमारा स्कूल एक मॉडर्न गुरुकुल की तरह है, जिसमें बच्चों को संस्कृति के साथ साथ, बेसिक वैल्यूज़ के साथ साथ मॉडर्न शिक्षा दी जाती है। मॉडर्न शिक्षा में हमारे सारे विज्ञान और आपकी जो हैं साइंस कॉमर्स स्ट्रीम ह्यूमैनिटीज़, उनकी शिक्षा प्रदान करते हैं। सर मकसद क्या है प्रेस वार्ता का? प्रेस वार्ता का मकसद है कि पूर्वांचल में अपने स्कूल के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्रदान की जाए, ताकि इधर के बच्चों को भी अच्छे बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने का मौका मिल सके। सर ये कहाँ पर है? देहरादून में, यह प्रेम नगर से आगे सैलाकुई राजा वाले में स्थित है। सर देखा जाए यहाँ पे भी तमाम स्कूल है, बोर्डिंग है, तो वहाँ पे क्या बेहतर सुविधाएं उन लोगों को मिलेगी अगर यहाँ से कोई बच्चा जाता है? देखिए, सुविधाओं के मामले की बात अगर बात करें हम, तो हमारा स्कूल एक 80 एकड़ में फैला हुआ एक विशाल एक स्कूल है, जिसमें बच्चों को खेलने के लिए लाइक क्रिकेट, फुटबॉल, रग्बी, हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, इंडोर गेम्स, पूल, टेबल टेनिस, सब सारी सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं। तो उसमें क्या है, बच्चे का अगर मान लीजिए बात की जाए एक डे स्कूल और बोर्डिंग स्कूल की, उससे तो हमारे स्कूल में बच्चे का एक होलिस्टिक डेवलपमेंट। दयादास गर्ल्स इंटर कॉलेज में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से प्रधानमंत्री मोदी का परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान पीएम मोदी ने फरवरी में होने वाले परीक्षा को लेकर छात्रों को संबोधित करते हुए उनका मनोबल बढ़ाया।
जिससे कि छात्र आसानी से परीक्षा दे सकें और उसके ऊपर किसी तरह का बोझ न रहे। इसके संबंध में अयोध्या दास इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य कृणवी तिवारी ने बताया कि यहाँ पर पीएम मोदी का परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम दिखाया जा रहा है, जिसके लिए सभी बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है। पीएम मोदी परीक्षा के लिए बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं, जिससे परीक्षा को लेकर बच्चों को भय का वातावरण न हो और बच्चे उत्साहपूर्वक परीक्षा की तैयारी करें। उन्होंने कहा, इस तरह पीएम मोदी के संबोधन से बच्चों का मनोबल बढ़ेगा, वह परीक्षा में अच्छा करेंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अयोध्या दास गर्ल्स इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य कृणवी तिवारी ने कहा, आज प्रधानमंत्री जी के द्वारा परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को बच्चों को दिखाना है और हम लोग सारे बच्चों ने रजिस्ट्रेशन भी इस पे कर लिया है हमारे यहाँ के। इसमें सर जो हैं प्रधानमंत्री जी जो हैं बच्चों को मोटिवेट करेंगे कि परीक्षा को लेके बच्चों में भय का वातावरण ना हो और बच्चे उत्साहपूर्वक परीक्षा की तैयारी करें और परीक्षा दें, सफलता प्राप्त करें। फरवरी में एग्जाम दिया जी जी जी, इस तरह का प्रबंधन कितना बच्चों को प्रोत्साहन तो बच्चों को मिलना ही चाहिए। अगर प्रधानमंत्री जी, लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं तो बच्चों को और भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा जी। किरणमयी तिवारी, प्रधानाचार्य, एडी राजकीय कन्या इंटर कॉलेज गोरखपुर। आज इंदिरा नगर गोपालपुर में नगर निगम की टीम जल निकासी का नाला बनाने के लिए पहुंची और स्थानीय लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। दरअसल स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि ग्राम सभा की जमीन पर भू माफियाओं द्वारा ग्राम सभा की जमीन, जलाशय कब्जा और नाले को कब्जा किया जा रहा है। आपको बता दें कि ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि ग्राम सभा में बने पोखर की जमीन पर भू माफियाओं का कब्जा किया जा रहा है, जिससे जल निकासी के लिए असुविधा हो रही है। जल निकासी न होने के कारण बारिश हो या ना हो, फिर भी लोग जल जमाव की स्थिति से गुजर रहे हैं। वहीं नगर निगम की टीम ने आज जेसीबी लेकर नाला बनाने के लिए तत्परता दिखाई और मौके पर महिलाओं व बच्चों और बुजुर्गों ने जमकर विरोध किया। आपको बता दें कि स्थानीय लोगों का कहना है कि बीते कई वर्षों से
इस समस्या का सामना यहाँ के स्थानीय लोग झेल रहे हैं, लेकिन भू माफियाओं द्वारा जमीन पर कब्जा करके जल निकासी के रास्ते को और अवरुद्ध कर दिया गया है। ऐसे में जल निकासी जब नहीं होगी तो जल जमा होना लाजमी है। वहीं मौके पर पहुंचे अपर नगर आयुक्त ने भी लोगों से जमीन के पुराने नक्शे व पुराने लोगों से बातचीत करने की कवायद शुरू कर दी। स्थानीय लोगों ने बताया कि स्थानीय पुलिस प्रशासन की मिलीभगत से बार बार स्थानीय लोगों एवं पूर्व पार्षद पर फर्जी मुकदमा दर्ज कर भू माफिया द्वारा परेशान किया जा रहा है। कभी भी किसी प्रकार की बड़ी घटना घट सकती है। स्थानीय लोगों का यह भी आरोप है कि बार बार मुख्यमंत्री से शिकायत करने के बाद एवं जिले के उच्च अधिकारियों से शिकायत करने के बावजूद भी माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। शासन की उदासीनता के कारण जलाशय की जमीन को कब्जा किया जाने का प्रयास किया जा रहा है और शिकायतकर्ताओं के ऊपर स्थानीय प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जा रही है, जिस पर अपर नगर आयुक्त ने कब्जे की जमीन को खाली करवाया। इसके अलावा एसडीएम सदर को जमीन की जांच कर कार्यवाही के निर्देश दिए जा रहे हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अपर नगर आयुक्त निरंकार सिंह स्थानीय नागरिक जय पासवान ने कहा, देखा जा रहा है। चलो आप लोग चलो हो जाए। अभिलेखी परीक्षण करने के लिए हम लोग डीएम साहब को पत्र भेजेंगे। अभी जो हमारे पास रिकॉर्ड है इसमें दो नक्शे हैं, जिसमें कि एक में नाला दर्शाया गया है और एक में जमींदारी की जमीन दिखाई गई है। सर कुछ लोगों द्वारा यहाँ की जमीन, एक मिनट, जब तक कि दोनों में से क्लियर ना हो जाए, क्योंकि जमीन का रिकॉर्ड जब तक पुराना रिकॉर्ड हम नहीं देख चेक करेंगे या नहीं करा पाएंगे, तब तक हम निर्णय इस प्रकार नहीं कर सकते कि मौके की जमीन बोकरे के रूप में है लेकिन जमीन अभिलेख में क्या है। सर यहाँ कुछ लोगों द्वारा अवैध रूप से ग्राम सभा की और पोखरे की जमीन कब्जा करने की बात कही जा रही है, इस पर किस तरह से एक्शन लेंगे? बात आप ग्राम सभा और पोखरे की बात, इसी का तो परीक्षण कराया जाना है। अभी फिलहाल जो देखा गया है कि जहां जो मिट्टी उट्टी पाटे हैं इसको तत्काल रूप से मना कर दिया गया है और संबंधित तहसील के एसडीएम को पत्र में लिखूंगा कि लिख रहे हैं हम लोग कि इसका संज्ञान ले, मौके की परीक्षण करा लें और अभिलेख की परीक्षण करा लें। आज आप कार्रवाई करने आए हैं, कुछ लोगों द्वारा विरोध किया जा रहा है, क्या विरोध? बहुत सारे लोगों को अभिलेख का ज्ञान नहीं है, अभिलेखी ज्ञान न होने के कारण इस प्रकार की बातें आई हैं। बहुत सारे लोग ऐसे, क्योंकि इसमें काफ़ी समय से लोग बता रहे हैं कि हम इसमें कपड़ा साफ कर रहे थे या अपना जो भी कूड़ा फेंक रहे थे, तो उनको लगता है कि ये जमीन गवर्नमेंट की है, तो इसका हम परीक्षण कराएंगे। ठीक ठीक, हमारी मांग है कि पार्क वर्क हो जाए, कम से कम बहन बेटी का शादी विवाह हो, इसमें ये भूमाफिया जो 18 डिसमिल का आपका खलियो पोखरी है, 43 डिसमिल का खलियान है, 48 डिसमिल का ये पोखरी और वो नाला है, इस नाले में इनका है क्या, ये राजे क्या ना श्याम नारायण मिश्रा जिनका ये फर्जी कागज बनवा के जो कहाँ कचहरी कचहरी कहाँ निकलता है, खतौनी में कचहरी का ही नाम है, नहीं हाथ से बनवा के ये दिखा रहे हमारा है, कहीं इनका नाम नहीं, किस बेस में ये पाट रहे हैं, दो दो बार हमको ले जाके बंद कर चुके। अगर कल हमारे साथ या हमारे परिवार के साथ कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार श्याम नारायण मिश्रा और सुधीर यादव हैं। रात रात में भूमाफियाओं के साथ आ रहे हैं, मिट्टी पाट रहे हैं, गांव वाले के मना करने पे थाना से लेके पुलिस लेके मिला के सबको ले जाके दो बार चालान कट चुके हमारे, किस बेस पे किए चालान? आज क्या अधिकारियों से आपने मांग की है? अधिकारियों से यही मांग है इसको जांच करवा के पार्क बनवाया जाए, कम से कम बहन बेटी दो गांव तीन गांव बहन बेटी की शादी विवाह तो हो। 80 साल से ये साल उम्र हमारा हो गया, कम इसी में तैरे खेले कूदे हैं, तीन तीन बार मछली पालन हो चुका, श्यामू यादव कराए थे, एक बार वो गोपालपुर के चंद्रमा निषाद कराए दो बार। और तो कब्जा किया, क्या नाम है आपका? अजय पास।